अस्सलाम वालेकुम, मैं शायदा शेख। आज मैं आपको दो तीन दिन जो क्रिसमस की छुट्टी थी उसके लिए लोग मालवन में आए हुए हैं टूरिस्ट, और जो किले में जाने की धावपड़ है वो मैं आज उसका वीडियो आपको बताने जा रही हूँ। देखिए किले पर जाने के लिए किस कदर जेटी पर रश है। ये तमाम लोग टूरिस्ट हैं। ये मैं जूने जेटी से आपको नीचे का सीन बता रही हूँ। देखिए कितने टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर। देखो स्टॉल के पीछे जो गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, उन कतारों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने टूरिस्ट यहाँ मालवन में आ चुके हैं। और यहाँ पर देखो ये जेटी पर किले में जाने की धाव पड़े, शाम का वक्त है, सूरज डूबने के करीब है, फिर भी इनकी किले में जाने की धावपड़ शुरू है। लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, एक के बाद एक तीन दिन जो छुट्टियां लगातार आई उसके लिए लोग यहां पर आए हुए हैं। ये सामने जो है शिवाजी महाराज का आपको जो पुतला दिखाई दे रहा है, या तो फिर उन्हें वो देखना है, या फिर वो स्कोबा के लिए आए हुए, या फिर वो इंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हुए। यानी इस साल तो हर साल के मुकाबले में इस साल टूरिस्ट यहाँ पर बहुत आए हुए हैं। एक तो नरेंद्र जी मोदी भी आए हुए थे, तो मैं इस साल देख रही हूँ कि यहाँ पर काफ़ी गर्दी है। मुझे तो लगता है गोए से ज़्यादा इस साल यहाँ पर लोग ज़्यादा आए हुए हैं। देखो कितनी कतार से लाइन में गाड़ियाँ खड़े हैं, आप देख सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी रश है। ये तमाम जो आपको दिखाई दे रहे नीचे ये स्टॉल है। यहाँ पर देखो होड़ियों में बैठकर लोग किले पे जा रहे हैं और आ रहे हैं, यानी ये चहल पहल अभी ज़ोरों पर है। ये जूना जेटी है। मैंने सोचा कि चलो आज आपको ये वीडियो भी बता देती हूँ, तो मैंने आज आपको जूना जेटी से ये वीडियो बताई हूँ। ये मैंने वीडियो इतवार की शाम में बनाई थी, आपको पीर तक ये वीडियो दिखाई देगा क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगता है। ये नया जेटी है। यहाँ पर देखो पत्थर है, ये पत्थरों पे खेकड़े है। ये जूना जेटी है, उससे ही मैं आपको नया जेटी बता रही हूँ। देखो ये जो सामने पीला रंग दिया हुआ ये नया जेटी है। देखो कितने लोग हैं, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो जाएगा। समंदर में ये जो होड़ियाँ हैं, हरा कपड़ा ऊपर, छत धूप ना लगे इसलिए जो हरा कपड़ा बना हुआ, ये सब तमाम होड़ियाँ हैं। यहाँ पर देखो नए जेटी से मैं आपको नीचे का सीन बता रही हूँ। ये जो लोग हैं यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो होड़ी है, इस होड़ी में वो लोगों को बिठाकर थोड़ा दूर तक ले जाते हैं और लाते हैं। ये जो है जो दौड़ रही है वो स्पीड बोट है। इसमें ये जो है ड्राइविंग करने वाले के आगे, जिसे पानी में जाने का शौक है वो आगे बैठता है और ये पीछे ड्राइव करता है। देखो इसकी स्पीड देखो, और जब पानी उड़ता है तो बहुत खुश होता है, बैठने वाला बहुत खुश होता है। यहाँ पर देखो इस होड़ी में अब ये लोग सवार हो जाएंगे और समंदर का मज़ा लूटेंगे। सामने देखो कितनी गाड़ियाँ लगे हुए हैं, ये देखकर ही आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर इस साल कितने लोग आए हुए हैं। टूरिस्ट भी हैं और बच्चों की ट्रिप भी आई हुई है, ट्रेवल्स के बसें भी हैं, लोग जो हैं वो ग्रुप में आए हुए हैं। यहाँ पर देखो स्पीड बोट में लोग आनंद लूट रहे हैं। और वो जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ना, वो बनाना राइड्स है।
ये एक पैकेज होता है, कोई 700 रुपया लेता है, कोई 800, और अगर आप तारकली उस तरफ जाएंगे तो 1200 रुपये। उस पैकेज में डॉल्फिन सफ़र, बनाना राइड्स, पैराशूट, बम्पर राइड्स ये शामिल होते हैं। देखो स्पीड बोट्स, इसकी स्पीड देखो कितनी है। और यहाँ पर ऊपर बैठे हुए लोग यहाँ से बैठकर मज़ा ले रहे हैं। इसमें ज़्यादातर लोग कॉलेज के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो हैं किनारे पर ही पानी में तैरकर मज़ा लेते हैं। देखो यहाँ पर ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है बोट में, तमाम लोग टूरिस्ट हैं, मुंबई से तो आए हुए लोग हैं, लेकिन कोल्हापुर, सांगली, सतारे से लोग ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। मैं उनसे, उन भाई टूरिस्ट भाई और बहनों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेहरबानी करके आप हमारे मालवन के बीच को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखें। जगह जगह पर डस्टबिन है, अगर आप कुछ खा रहे हैं तो कागज़ वगैरह उस डस्टबिन में टाके, क्योंकि हमारा ये जो मालवन तालुका है ये हमारे सिंधुदुर्ग की एक बहुत बड़ी शान है। तो आप ख़ास तौर पर सफाई का ख्याल रखें। और ये टूरिस्ट नए होने की वजह से इन्हें जब ये अपनी गाड़ियाँ लाते हैं तो इनको वन वे कहाँ से ये उनको मालूम नहीं होता है। तो मैं अपने मालवन वासियों से यही कहूँगी कि बराबर उन्हें बताएं, और हो सके तो जिस तरह भरट पर ट्रैफिक पुलिस है उसी तरह पिप्पल पे भी ट्रैफिक पुलिस का इंतज़ाम किया जाए ताकि कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर ये बच्चे जो हैं सेंग पुट्ठे वगैरह बेच रहे हैं। तो मैं कह रही थी कि जो ट्रैफिक जो जाम हो रही है वो नहीं होगी, क्योंकि ये लोग नए होते हैं, इन्हें मालूमात नहीं होती और ये कहीं से भी अपनी गाड़ियाँ निकालते, जिसकी वजह से चलने वालों को तो तकलीफ़ होती है और ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। और ट्रैफिक जाम हो जाता है तो चलने वाले बेचारे बड़े बुज़ुर्ग जो है उनको भी तकलीफ़ सहन करना पड़ती है। तो प्लीज़ प्लीज़ इस बात को आप ज़रा ध्यान दें। यहाँ पर देखो ये बनाना राइड्स है, यहाँ पर ये जो स्टील के जो नए जेटी पर जो खंभे लगाए गए ये छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम है और ये मुझे बहुत पसंद आया। देखिए बनाना राइड्स, इसमें क्या होता है कि चलाने वाला जो है वो आगे होड़ी में होता है और पीछे जो है ये लोग दूसरे बोट पर लड़के जो हैं बैठे होते हैं और ये उनको खींचता है। ये हो गया बनाना राइड्स, उसे कहते हैं बनाना राइड्स। यहाँ पर देखो लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का। देखो कितने ट्रेवल्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। सामने देखो जहाँ पर ये सूरज डूबने के करीब, वहाँ पर आपको पैराशूट भी नज़र आएंगे। तो इनका पैकेज होता है, उस पैकेज में ये तमाम चीज़ें आती है। तो आप अगर मालवन में आना चाहते हो तो आप ज़रूर आइए, आपको यहाँ पर इन तमाम चीज़ों का मज़ा लूटने भी मिलेगा। और यहाँ पर हमारे यहाँ ताज़ी मछली मिलती है, आपको मछली भी खाने मिलेंगी, क्योंकि जगह जगह यहाँ पर होटल्स हैं। यहाँ पर देखो बीच पर ही दुकानें भी लगी हुई, स्टॉल है कपड़े के, शरबत के, खिलौनों के। यहाँ पर मैं ज़रा चल कर थक गई थी, तो ये जो है मार्टिन फर्नांडिस जो है, इस औरत से मैं पूछकर जहाँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ गई और यहाँ ही से ही मैं